हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भेद अकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप की स्टडी करेंगे। देखिए, अध्याय 6 तक हमने सभी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और जो भी आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेकर आएँ, इस पर हमने एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तृतीयक क्रियाएँ क्या होती हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसे क्षेत्र जिनमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, बनाई नहीं जाती हैं, बल्कि किसी और से ले ली जाती हैं और किसी और को बेच दी जाती हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, दुकान शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो चीज़ें खरीद लेता है कहीं और से और फिर वो हमें बेच देता है मुनाफा कमाने का, तो मीडिएटर का काम वो करता है। इस तरीके की जो भी क्रियाएँ होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, तृतीयक क्रियाएँ कहलाती हैं, जिसमें उत्पादन बेचने वाला नहीं करता है, कहीं और से लेकर वो हमें बेच देता है। ये हमारी तृतीयक क्रियाएं होती हैं। एग्जांपल व्यापार, व्यापार में भी यही होता है, कोई भी चीज़ का व्यापार आप कर रहे हो तो आप उस चीज़ का उत्पादन स्वयं नहीं करोगे, कहीं और से खरीद कर बेच दोगे। उसके बाद परिवहन और संचार, इनकी हम डिटेल में अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो तृतीयक क्रियाएँ वो होती हैं जिनमें जो वस्तु यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर जो दुकानदार होता है वो खुद से नहीं बनाता है बल्कि कहीं और से खरीद कर हमें बेच देता है। ये हमारी तृतीयक क्रियाएं हो गई। उसके बाद चतुर्थक क्रियाएं क्या होती हैं, ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान संबंधित क्रियाकलापों से होता है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास। देखिए, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध और विकास, पढ़े लिखे लोगों की चीज़ें होती हैं ये क्रियाएँ, चतुर्थक क्रियाएँ, और इनसे सबसे ज़्यादा इनकम होती है। अगला हमारा टॉपिक है व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं। जिन स्थानों पर उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाने की दृष्टि से व्यापार कार्य होता है, उन स्थानों को व्यापारिक केंद्र कहते हैं। देखिए, खरीदना और बेचना और उनसे लाभ कमाया जाता है, इनकम होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। ये व्यापारिक केंद्र गाँवों, कस्बों और नगरों में हो सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सांची का दूध का पार्लर आपने देखा होगा, वो व्यापारिक केंद्र होते हैं। उनमें क्या करते हैं, जो सांची वाली थैलियाँ होती हैं दूध की, वो खरीद लेते हैं शॉपकीपर्स और वो हमें सप्लाई कर देते हैं, उन्हें कुछ मार्जिन इसमें मिल जाता है। तो इस तरीके के जो केंद्र होते हैं वो व्यापारिक केंद्र होते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परिवहन का मतलब क्या होता है, या फिर वस्तु या फिर किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हमारा परिवहन कहलाता है। तो परिवहन हमारे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, थल, जल और वायु। देखिए, थल मतलब जो सड़कों पर चलते हैं, जैसे सड़क एवं रेल मार्ग आते हैं थल में। उसके बाद जल परिवहन, नदियां, नहरें, झीलें, सागर, महासागर में चलने वाली नाव या फिर जो भी जहाज़ चलते हैं वो हमारे जल परिवहन में आते हैं। वायु परिवहन क्या होता है, इसमें वायुयान आते हैं। तो परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन तीन प्रकार के, थल, जल और वायु। उसके बाद अंकीय विभाजक क्या होता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करना अंकीय विभाजक कहलाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो अंतर होता है उसको ज्ञात करना क्या कहलाता है, अंकीय विभाजक कहलाता है। बड़े बड़े देशों में जैसे भारत और रूस में महानगरीय केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंकीय विभाजक दिखाई देते हैं या फिर इनके सेंटर खोल दिए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मानव के तृतीयक क्रियाकलापों की विशेषताएं या फिर तृतीयक क्रियाओं की विशेषताएं हमें बतानी है। तृतीयक क्रियाएँ क्या होती हैं, इनमें जो भी वस्तु हम यूज़ करते हैं उसका उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि कहीं और से खरीद कर उसे बेच दिया जाता है। उसके बाद इसकी पहली विशेषता है, उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देने वाली सेवाओं को तृतीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखा जाता है। तृतीयक क्रियाकलापों में उन व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन कार्य से नहीं होता है बल्कि वे अन्य प्रकार के परोक्ष सहायता करते हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी आदि। उसके बाद तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्यतः व्यापार, यातायात, संचार सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। तृतीयक क्रियाकलाप नगरीय एवं विकसित अर्थव्यवस्था की प्रधानता का सूचक है। तो ये हमारी विशेषताएं हो गई तृतीयक क्रियाओं की। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के मुख्य कारण, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला, प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्नताएं। देखिए, सभी देशों के प्राकृतिक संसाधन अलग अलग होते हैं, कहीं कोयला ज़्यादा पाया जाता है, कहीं और चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। उसके बाद आर्थिक विकास में भिन्नताएं। देखिए, कोई देश विकसित होता है, कोई देश विकासशील होता है, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी
अलग अलग होती हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान दिया जाता है। जनसंख्या वितरण की भिन्नताएं, देखिए हमारा देश जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पर आता है, चीन फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद और भी देश हैं, तो जनसंख्या भी समान नहीं होती है, ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं लोगों की, उनकी पूर्ति के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। विदेशी पूंजी निवेश, देखिए जितना ज़्यादा जिस देश का विदेशी पूंजी जिसके पास होगी उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए। उन्नत परिवहन साधन, देखिए दूसरे देशों से जब हम व्यापार करेंगे तो उनसे कुछ चीज़ सीखेंगे, जो परिवहन के साधन उनके पास अच्छी क्वालिटी के हैं वो हम अपने पास लेकर आएंगे, इससे हमारा भी विकास होगा। सरकार की व्यापार नीतियाँ, देखिए सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, सरकार को बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, इसलिए विदेशी व्यापार बहुत आवश्यक होता है। विदेशों से राजनीतिक संबंध, देखिए राजनीतिक संबंध भी ज़रूरी होते हैं दूसरे देशों से, देखिए रूस से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है रूस हमारी सहायता करता है, ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारे अच्छे संबंध होंगे विदेशों से। उसके बाद देश की भौगोलिक स्थिति, देखिए भौगोलिक स्थितियाँ भी सही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो वो हम दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। उसके बाद जन अभिरुचि, देखिए कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हमारे देश में नहीं बनता है, बाहर बनता है, तो हम उसे अपने यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे, ये भी ज़रूरी होता है। उसके बाद युद्ध एवं शांति, देखिए युद्ध एवं शांति की स्थिति में भी हमें व्यापार करने की ज़रूरत होती है, अगर युद्ध हो रहा है और हमारे पास हथियार नहीं है, अगर किसी देश से हमारे अच्छे संबंध है तो वो हमें इंस्टेंट हथियार भेज देगा, हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। उत्पादों की गुणवत्ता, देखिए हर देश में अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन सब फॉरेन प्रोडक्ट्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अगर हमारे यहाँ से चीज़ें बाहर सप्लाई होंगी तो हमारा जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और हमारे यहाँ के लोगों की भी जो आय है वो उसमें वृद्धि होगी, तो ये हमारे कारण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है तृतीयक क्रियाकलापों का वर्गीकरण, या फिर तृतीयक क्रियाओं का वर्गीकरण, उन्हें कैसे विभाजित किया जाता है। सबसे पहला व्यापार एवं वाणिज्य, इसके अंतर्गत व्यापारिक केंद्रों की सेवाएं आती हैं, ये केंद्र ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के होते हैं, ये व्यापार सेवाओं के केंद्र होते हैं, मैंने आपको बताया था सांची वाला पार्लर, आप उसके एग्जांपल से समझ सकते हैं। उसके बाद परिवहन सेवाएं, इसमें व्यक्तियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने की सेवा सम्मिलित होती है, जैसे रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, परिवहन सेवाएं आती हैं। सबसे पहला व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा परिवहन सेवाएं, तीसरा संचार सेवाएं। संचार सेवाओं में संदेशों का प्रेषण किया जाता है, डाक सेवा परिवहन के साधनों द्वारा की जाती हैं, जैसे मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह, रेडियो आदि। अन्य सेवाएं, इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति, भूमि और भवन आदि। तो ये हमारे तृतीयक क्रियाकलापों का वर्गीकरण होगा, सबसे पहला व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा परिवहन सेवाएं, तीसरा संचार सेवाएं, चौथा अन्य सेवाएं। अन्य सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा वर्गीकरण होगा तृतीयक क्रियाओं का, या फिर तृतीयक क्रियाकलापों का। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भंडारण कितने प्रकार के होते हैं, स्टोरेज। भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, किसी भी चीज़ को अपने पास रखने की कैपेबिलिटी। उपभोक्ता भंडार, सबसे पहला फुटकर व्यापार के अंतर्गत वृद्ध स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय में आते हैं। उपभोक्ता भंडार पहले हो गए हमारे, दूसरे विभागीय भंडार। विभागीय भंडार वे होते हैं जो वस्तुओं की खरीद एवं भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व या प्राधिकार सौंपते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर विभाग का भंडारण हो जाता है। उसके बाद श्रृंखला भंडार, श्रृंखला भंडार वे होते हैं जो अत्यधिक मित्रव्यता से व्यापारिक माल का क्रय करते हैं, जहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे ही वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। तो ये हमारे तीन टाइप के भंडारण होगा, स्टोरेज होगा, सबसे पहला उपभोक्ता, दूसरा विभागीय, तीसरा श्रृंखला भंडार। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए परिवहन क्या होता है, परिवहन एक ऐसा साधन अथवा सेवा है जिसके द्वारा यात्री विनिर्मित माल एवं संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हमारा परिवहन कहलाता है। तो पहला है मांग, यह जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी किसी भी चीज़ की मांग बढ़ेगी, जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी अधिक परिवहन की मांग भी बढ़ेगी। देखिए जनसंख्या की प्रोपोर्शनल होती है मांग। उसके बाद है मार्ग, परिवहन सदैव सुनिश्चित मार्गों पर होता है, फिक्स्ड मार्ग होते हैं कि हाईवे होते हैं उन पर ही परिवहन होता है, कोई एकदम से कोई मार्ग नहीं बन जाएगा। यह नगरों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों तथा कच्चा माल क्षेत्र की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए परिवहन को प्रभावित करने वाले, सबसे पहला मांग, दूसरा
मार्ग, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी परिवहन की। देखिए गाड़ियों का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जितनी कम जनसंख्या थी पहले हमारा तो गाड़ी हमारे पास कम थी, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जो टू व्हीलर बाइक्स हैं उनकी भी मात्रा बढ़ती जा रही है। उसके बाद मार्ग, जितना अच्छे मार्ग होंगे उतना हमारा परिवहन सुगम तरीके से होगा। उसके बाद परिवहन दूरी को मापने की विधि हमें बतानी है कि परिवहन की दूरी को हम कैसे मापते हैं। सबसे पहला किलोमीटर, दूसरा समय, तीसरा लागत दूरी। किलोमीटर दूरी क्या होती है? मार्ग की लंबाई वास्तविक दूरी होती है जिसे किलोमीटर में मापा जाता है। कोई कहीं भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम भोपाल से आप जा रहे हो जबलपुर, तो इसके बीच की जितनी भी किलोमीटर में दूरी होगी उसे हम किलोमीटर दूरी कहेंगे, इसको हम मापेंगे किलोमीटर के थ्रू। उसके बाद समय दूरी, मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय को समय दूरी कहते हैं। देखिए भोपाल से जबलपुर जाने में जो आपको टाइम लगेगा वो हमारा समय दूरी कहलाएगा, जितने किलोमीटर होंगे वो हमारी किलोमीटर दूरी होगी। लागत दूरी यानी कि भोपाल से जबलपुर पहुंचने में आपको कितना खर्चा आ रहा है वो हमारी लागत दूरी कहलाएगी। उसके बाद हमारी अगला टॉपिक है पंचम क्रिया एवं विशेषताएँ। तो पंचम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे कर्मी होते हैं, यानी कि कर्मचारी होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो ये हमारे पंचम क्रियाकलाप हो गए। उसके बाद इनकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। इन क्रियाकलापों के द्वारा नए विचार उत्पन्न होते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं इनके थ्रू। वर्तमान एवं पुरानी अर्ध विचारधाराओं की व्याख्या, पुनर्गठन एवं मूल्यांकन होता है। इसमें क्या होता है, पुरानी जो विचारधाराएं होती हैं, मेंटेलिटीज होती हैं, उनकी व्याख्या, पुनर्गठन एवं मूल्यांकन होता है। नए सूत्रों, आंकड़ों एवं तथ्यों की व्याख्या तथा उनका अनुप्रयोग होता है। नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन होता है। सरकारी अधिकारी, शोध वैज्ञानिकों, वकील आदि लोग इस वर्ग में आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन आते हैं? सरकारी अधिकारी, शोध वैज्ञानिक और वकील। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सेवाएं क्या हैं, सेवाओं के घटकों का हमें वर्णन करना है। देखिए मानव के तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप सेवाओं से संबंधित होते हैं। जो मानव के तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं वो सेवाओं से संबंधित होते हैं। किसी राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका अदृश्य होती है, यानी कि हम देख नहीं सकते। सेवाओं का उत्पादन के रूप में मापन करना असंभव है। उत्पादन के रूप में हम इनका मापन नहीं कर सकते, इन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्हें तो अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी तथा वेतन के रूप में मापा जा सकता है। जो काम हम कर रहे हैं उसके बदले हमें जितने पैसे मिल रहे हैं उससे हम इसका मापन कर सकते हैं। इसमें समस्त प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन एवं व्यापार आदि सम्मिलित होता है। देखिए शिक्षा को हम कैसे माप सकते हैं, शिक्षक को उसकी जो इनकम होगी उससे हम उसको माप सकते हैं। उसके बाद इनसे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है एवं रोजगार के साधन बढ़ते हैं। तो ये हमारी सेवाएं हो गई। अब सेवाओं के वर्ग हम देख लेते हैं। सबसे पहला निम्न स्तरीय सेवाएं। निम्न स्तरीय सेवाओं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी, नाई, जो छोटे मोटे काम करके अपना घर गुजर बसर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय सेवाएं कहते हैं। और उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे लेखाकार, परामर्शदाता, संगीतकार, चिकित्सक आदि, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उच्च स्तरीय सेवाओं में होते हैं। जो निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं जैसे छोटी मोटी चीज़ें करके अपना घर का खर्चा पानी चलाते रहते हैं, जैसे पंसारी की दुकान, धोबी, नाई, ये हमारी निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं। सेवाओं के घटक देखिए, सबसे पहला है वाणिज्यिक सेवाएं, दूसरा है अचल संपत्ति, तीसरा थोक और फुटकर, चौथा है हमारा परिवहन व संचार, पाँचवा है मनोरंजन, छठवा है हमारा प्रशासनिक, सातवा है गैर सरकारी संगठन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाणिज्यिक सेवाएं क्या होती हैं। व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाना होता है। वाणिज्यिक सेवाओं का मुख्य उद्देश्य होता है वस्तुओं को खरीद कर और बेच कर जो लाभ होता है उससे। इसके अंतर्गत विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क, परामर्श आदि आता है। उसके बाद अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, इससे संबंधित सेवाएं जैसे वित्त सेवाएं, बीमा, वाणिज्य और आवासीय भूमि और भवनों से संबंधित सेवाएं। तीसरा हमारा टाइप है थोक और फुटकर व्यापार। ये व्यापारिक क्रियाकलाप उपभोक्ता एवं उत्पादक को जोड़ते हैं। आपने देखा होंगे आपके इधर भी थोक और फुटकर की शॉप्स होंगी, वो तीसरा घटक होगा हमारा। चौथा होगा परिवहन व संचार सेवाएं। देखिए रेल, सड़क, जलयान, वायुयान, ये हमारे परिवहन के साधन हो गए। संचार की सेवाएं क्या होती हैं, डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट आदि। उसके बाद मनोरंजन सेवाएं जैसे टीवी, रेडियो, फिल्म और पत्र पत्रिकाएं। उसके बाद प्रशासनिक सेवाएं, स्थानीय राज्य की तथा राष्ट्रीय प्रशासन, पुलिस, सेना, ये हमारी सेवाएं हो गई। उसके बाद हमारा गैर सरकारी संगठन, इसके अंतर्गत शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है संचार के साधनों का प्रकार हमें बताने हैं। शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का एक व्यक्ति अथवा एक स्थान से दूसरे व्यक्ति या दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचार कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे किसी दूसरे को,
तो ये हमारा संचार का साधन हो गया व्हाट्सएप। आपने टेक्स्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू आपके फ्रेंड को, तो ये हमारा संचार का साधन हो गया। आपके मन में जो भी विचार था वो आपने आपके फ्रेंड को पहुँचा दिया, किसकी हेल्प से? व्हाट्सएप की हेल्प से। तो ये हमारे संचार के साधन हो गए। संचार के साधन जितने ज़्यादा विकसित होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश का जो संचार मीडियम होगा वो विकसित होगा। जिन क्षेत्रों में परिवहन जाल विकसित तंत्र विकसित होता है वहाँ संचार सेवाओं का विस्तार सरल होता है। परिवहन जाल विकसित होता है यानी कि नेटवर्क, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद संचार के प्रमुख साधन, सबसे पहला डाक। डाक के बारे में आप सब जानते हैं, पत्र पत्रिकाएँ आपके आप आते होंगे, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। दूसरा समाचार पत्र, जो भी देश में कहीं भी कुछ हो रहा है, विदेश में कहीं भी कुछ हो रहा है, तो सारी न्यूज़ आपको घर बैठे मिल जाएंगी। उसके बाद दूरदर्शन भी ऐसा ही है, इससे आपको मनोरंजन भी मिल जाएगा और आपको जितनी भी पूरे दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं वो आपको घर बैठे पता चल जाएंगी। देखिए रेडियो पर आप गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टेलीफोन या दूरभाष, देखिए टेलीफोन में आप घर बैठे आपका जो भी रिश्तेदार है कहीं बाहर बैठा है उससे भी बात कर सकते हैं। उपग्रह से, जो सुरक्षा के लिए उपग्रह काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ऊपर से हम निगरानी रख सकते हैं अपने देश पर। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट का तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सब जानते हैं इंटरनेट क्या है। तो ये होगा हमारे संचार के प्रमुख साधन। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सूचना तकनीकी क्या होता है। देखिए सूचना तकनीकी प्रगति के कारण सूचना को भूमि श्रम पूंजी के साथ उत्पाद का चौथा साधन समझा जाने लगा है। इस प्रकार प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों के त्रिकोणीय मॉडल के साथ एक चौथा क्षेत्र सूचना आधारित उद्योग का विकास हुआ है। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूचना का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे लोहे प्रयोग मशीनरी के लिए किया जाता है। सूचना तकनीकी के इंटरनेट के प्रयोग ने सारे विश्व को समन्वित कर दिया है। इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के आरंभ के पश्चात दुनिया के किसी भी भाग से सूचना प्राप्त करना अब संभव हो गया है। सूचना तकनीकी यानी कि इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया ने में बिखर चुका है। कुछ भी कहीं भी कुछ हो रहा है, एक मिनट में सारी दुनिया में वो सारी चीज़ें फैल जाती हैं, ये हमारी सूचना तकनीकी हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए